जय हिंद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ RRB टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट फॉर्म स्टेटस के बारे में, जो कि आपका जारी कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, आप यहाँ पर आपके फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। और अगर आप चेक नहीं कर पा रहे किसी भी रीजन से, तो आप मेरे द्वारा भी चेक करा सकते हैं। उसके लिए कैसे, कहाँ पर जानकारी सेंड करनी है, यह आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। पहले आप ये ले कि कैसे आप खुद से अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेक करेंगे, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगी। तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में गाइस, जो लिंक दिया है वो आपको ओपन करना है। ये ओपन करने के बाद आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी। आपको भी यहां पर जानने को मिलेगा कि ये फॉर्म दोबारा से रीओपन किए गए थे, फिर आपने फॉर्म को 2 से 16 अक्टूबर 2024 तक भरा था। इसमें आपकी दो कैटेगरी के अंदर वैकेंसी थी, एक थी आपकी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल और दूसरी थी आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 ओपन लाइन। तो यहां पर गाइस मैं आपको इसके नोटिस पर लेकर के चलता हूं, जो कि अभी रेलवे ने जारी किया है। आप देख सकते हैं कि जो आपके यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेटस आए हैं, वो आपके टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल, यानी कि जो आपकी 1092 पोस्ट थी, सिर्फ इन्हीं के एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस आए हैं। जो आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट थी, जिसके लिए 8052 पोस्ट थे, इसके अभी स्टेटस नहीं आए हैं। तो अगर आप आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का स्टेटस चेक नहीं कर पा रहे, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके नहीं आई है। आपको जब आपने सुना होगा कि टेक्नीशियन के स्टेटस आ चुके हैं फॉर्म के, तो आपको लगा हो कि दोनों के आ गए हैं, तो इसलिए मैंने यहां पर ये चीज आपको पहले ही क्लियर कर दी। अब इसमें यहां पर इन्होंने बोला कि आप आपका स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आप यहां पर देख पा रहे प्रोविजनली एक्सेप्टेड, इसका मतलब है कि आपका फॉर्म फुल्ली एक्सेप्ट है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप देखते हैं प्रोविजनली एक्सेप्टेड विद कंडीशन, तो फिर उसमें जो कंडीशन है वो आपको वहां पर देखने को मिलेगी। और तीसरा है रिजेक्टेड अलोंग विद रीजन, क्यों आपका फॉर्म रिजेक्ट किया गया, उसका रीजन भी आपको दिया जाएगा। तो इन तीन कैटेगरी के अंदर आपके फॉर्म के स्टेटस को रखा है। तो आपको क्या करना है, यहां पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के ये जो RRB टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट फॉर्म स्टेटस चेक लिंक है, ओपन करना है। आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डालना है, पासवर्ड डालना है जो आपने बनाया था आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ जो आपने भरा था वो डालिए और आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके प्रोसीड कीजिए। आपको मैसेज के माध्यम से एक नया पासवर्ड सेंड किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, तो आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री के सेक्शन में आना है। यहाँ पर कुछ कैंडिडेट, जिस कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन है, उसके जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो रखा है RPF का और साथ ही साथ एक्सेप्ट हो रखा है ALP का। तो इसी तरह से अगर आपने टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट पर अप्लाई किया था, आपको एप्लीकेशन स्टेटस के नीचे प्रोविजनली एक्सेप्टेड अगर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका फॉर्म कंप्लीटली एक्सेप्ट है, कोई भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि इस कैंडिडेट ने यहां पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अप्लाई किया था, तो अभी उसका स्टेटस नहीं आया है, इसलिए यहां पर कुछ भी नहीं आ रहा है। जैसे उसका स्टेटस आएगा, आपको यहां पर इसी तरह से स्टेटस देखने को मिल जाएगा। तो अगर प्रोविजनली एक्सेप्टेड आ रहा है, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट है, आप आपके एग्जाम की तैयारी करते रहिए। और इस तरह से आप बहुत ही सिंपल वे में आपका स्टेटस चेक कर पाएंगे। अगर आप नहीं कर पाते, मेरे द्वारा चेक कराना चाहते हैं, तो जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसको ओपन करके यहां पर कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन गाइस, यहां पर ये इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको आपका नाम देना है, आपकी ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर जो कि व्हाट्सएप का हो, मैसेज के अंदर आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस या फिर मोबाइल नंबर, साथ ही आपका पासवर्ड, और आप लिखेंगे यहां पर RRB टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट फॉर्म स्टेटस 2024 और फिर सबमिट कर देंगे। उसके बाद जानकारी मेरे पास आएगी और जितनों का भी हो पाएगा स्टेटस चेक करके आपको बताया जाएगा, और उसके लिए आपसे कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। सो ये थी जानकारी, आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।